हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट 2021 क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2021 में ये आया था। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। तो क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स कम्युनिटी तो नहीं है, ये बात तो आपको क्लियर ही है, नो डाउट अबाउट दैट। स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप? आंसर है स्टैंडिंग स्टेट। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। इसको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन अ सीजनल बेसिस। ये वेरी होगा, वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अलग अलग इकोसिस्टम में ये कंटेंट जो है कार्बन का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, कैल्शियम का, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, अलग अलग इकोसिस्टम में इसका कंटेंट अलग अलग होगा एट एनी गिवन टाइम इन द सॉइल। तो वेरी कर रहा, और आल्सो सीजनल, एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग सीजन में भी ये वेरी करेगा। आंसर है स्टैंडिंग स्टेट, पेज नंबर 253 आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। और स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? स्टैंडिंग क्रॉप है ईच ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या? ट्रॉफिक लेवल बनता है किसी भी जिन एनिमल्स का फूडिंग हैबिट सेम है, एक ही तरह की फूडिंग हैबिट है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका एक है, उनको हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल में, एक ग्रुप में लगते हैं, उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग। और ट्रॉफिक लेवल आपका लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल या बॉटम कह लीजिए, या आप कहिए कि बिल्कुल बेसिक ट्रॉफिक लेवल क्या है, हमारा पहला प्रोड्यूसर है, फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर्स है। उसके बाद पहले आपके हर्बीवोर्स हैं, सेकेंड आपका ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोरस बनाते हैं, उसके बाद आपका प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। तो पहला जो आपका ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, ठीक है जी। ट्रॉफिक लेवल ग्रुप बता रहा ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, तो उनको हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल से डिनोट करते हैं। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये ट्रॉफिक लेवल आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। तो हम लोग प्रोड्यूसर बना सकते हैं, हर्बीवोर बना सकते हैं, हर्बीवोर जो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, कार्निवोर जो इनको खा रहे हैं हर्बीवोर्स को, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, इस तरह से आपके ट्रॉफिक लेवल बन जाएंगे। तो हर ट्रॉफिक लेवल में कभी भी आप देखें जो ट्रॉफिक लेवल बने, सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, मास जो मास है लिविंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास किसी गिवन टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग स्टेट बता रहा है न्यूट्रिशंस का, न्यूट्रिएंट का प्रेजेंस सॉइल में, और स्टैंडिंग क्रॉप बता रहा है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एट अ गिवन सर्टेन टाइम। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। तो या तो मास आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैलकुलेट कर लें या नंबर कैलकुलेट कर लें। द बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्लैश, इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। बायोमास को हम लोग फ्रेश वेट और ड्राई वेट से डिनोट कर सकते हैं, फ्रेश वेट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं और ड्राई वेट का भी कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, और ड्राई वेट जो है वो मोर एक्यूरेट होता। तो ये पेज नंबर 247 पे आपका दिया। चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं, देखिए पहले तो स्टैंडिंग स्टेट को देखिए, पेज नंबर 253 का ये है, चैप्टर 14 इकोसिस्टम क्लास 12 बायोलॉजी, इकोसिस्टम चैप्टर 14 253 पेज नंबर। साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एट्सेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। क्वेश्चन यही था, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अगर ध्यान से
तो 76 to 80 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लाइनर मिल जाते हैं, डायरेक्ट लाइनर मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, थोड़े से ट्रिकी मिलेंगे, उसमें एक दो क्वेश्चन आपको आउट फ्रॉम एनसीईआरटी भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो 76 to 80 क्वेश्चन आप क्रैक कर सकेंगे नीट में। तो ये स्टैंडिंग स्टेट है, पेज नंबर 253 पे आपके क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 14 इकोसिस्टम में ये दिया है। अब हम लोग चलें उस पर देखें स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में कहाँ पे दिया है। ये तो स्टैंडिंग स्टेट हो गया, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप पे अब हम लोग आते हैं, वो भी आपकी बुक में दे रखा है स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में, उसको मैं दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट दो तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। तो स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप पेज नंबर 247, ये रहा 247, ये देखिए स्टैंडिंग क्रॉप दे रखा है यहाँ पे। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ गिवन यूनिट एरिया। द बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वेट और ड्राई वेट। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। वाई? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो है, ये हमारा वाटर कंटेंट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है, इसलिए ड्राई वेट, जब उसमें से मॉइस्चर हम वाटर कंटेंट जो है उसको इवेपोरेट कर देंगे, तो जो लेफ्ट बिहाइंड दैट इज लेफ्ट बिहाइंड दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। तो ड्राई वेट का मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। चलिए फिर से चलूँ अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, देखिए। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट सच एज कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम रेफर्ड एज द आंसर इज स्टैंडिंग स्टेट। और अगर वो किसी ट्रॉफिक लेवल पे अमाउंट ऑफ बायोमास पूछता है एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ इन अ गिवन ट्रॉफिक एरिया, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है जी। द आंसर इज ठीक है जी। तो स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप दोनों आपको क्लियर हो गया, ओके। तो ये एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी आपकी नैया पार लगाएगी। अगर आप आखिरी तक आ गए वीडियो के, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के आपको और सोल्यूशंस मिलते रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।